ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार के बाद टीम इंडिया को एक और झटका लगा है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दाएं हाथ फ्राउंड होने के वजह से सीरीज के बाहर हो गए हैं। शनिवार को पहले टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान पैट कमिंस की गेंद उनके दाएं हाथ पर लगी, इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए, फिर उनकी वापसी नहीं हुई। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बल्लेबाजी के दौरान उनके हाथ फ्रॉग हो गए थे, दर्द की वजह से वह बैट नहीं पकड़ पा रहे थे। फ्रॉग का मतलब ये है कि आपको बता दे कि ब्लड क्लॉट हो जाना, ब्लड का जाम हो जाना, जिसके वजह से वह अपना हाथ नहीं उठा रहे थे। बाद में उन्हें मैदान से बाहर आना पड़ा, इसके बाद भारत की गेंदबाजी के दौरान भी वे बाहर रहे थे। 22वें ओवर में कमिंस की एक बाउंसर शमी की कलाई पर लगी थी, इसके बाद टीम इंडिया के मेडिकल स्टाफ मैदान पर बुलाए गए। हालांकि फिजियो द्वारा पेन किलिंग स्प्रे भी लगाया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें दर्द से राहत नहीं मिली। उन्होंने बल्लेबाजी नहीं करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में भारतीय टीम को 8 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की अपने दूसरे और विदेश में पहले पिंक बॉल टेस्ट में यह पहली हार है। भारत ने पहले डे नाइट टेस्ट में अपने घर में पिछले साल बांग्लादेश को पारी और 46 रन से हराया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ने यह डे नाइट टेस्ट मैच लगातार 8वीं जीत है।